वहीं सिटी विक न्यूज के सारे दर्शकों ने मेरी राम राम। फिलहाल हिसार के सिविल अस्पताल में मोर्चरी में मौजूद हूँ, जो बिहार से कुछ लोग उरे काम करने खातर आए थे। कैजुअलिटी हुई, एक व्यक्ति की जान चली गई। इन लोगों का कहना है कि ट्रैक्टर ट्रैली के नीचे, मिट्टी से भरे ट्रैली के नीचे जो है आके और उस मजदूर की जान चली गई, और जो उसका सबसे बड़ा बेटा है फिलहाल हमारे साथ में मौजूद है। बिहार के कौन से एरिया से आए हो? कैसे हुई दुर्घटना, कुछ पता चला? नहीं, हम लोग का काम था ट्रैक्टर के हादसे से। कुछ वहाँ आसपास कोई किसी ने देखा, कोई सीसीटीवी फुटेज? सीसीटीवी तो है, कैमरा है, मगर हम नहीं देखे ऐसे कैसे एक्सीडेंट हुआ। फुटेज दिखाया नहीं जा रहा है या आपको? हाँ। आपने देखने की कोशिश नहीं की? जो सीसी कैमरा चेक होगा, हाँ, फिर तो पता चलेगा कि हाँ कैसे हुआ। आपने चेक करने की कोशिश नहीं की है या चेक करवाया नहीं गए? चेक करवाने के लिए बोले हैं तो बोल रहे हैं, एक दो आदमी से ऐसे लगा रखे हैं। अच्छा, ठीक है। फिलहाल उसी गाँव के सरपंच मेरे साथ मौके पर मौजूद है। सर, इन लोगों के केस में जो है बींग एन सरपंच, क्योंकि आपके गाँव में काम कर रहे थे, तो क्या कुछ आप इन लोगों को पता किया था? जी, वहाँ पे वो शराब पी रखी थी उसने। अच्छा, बहुत ज्यादा। अच्छा। और ट्रैक्टर वाले ने लिफ्ट दी थी उसको। ठीक है। उसके हाँ। साथ में शायद एक आदमी और भी था। हाँ। शराब के कारण के है, उसने ब्रेक लगाई ट्रैक्टर वाले ने, उस करके वो नीचे पड़ गया। ठीक है। और उसकी मौत हो गई। ठीक है। इसमें ट्रैक्टर वाला का ऐसा कोई दोष नहीं है, ट्रैक्टर वाले का इसके अंदर कोई दोष नहीं है। तो ये बात आप लोगों को पता थी कि सारा काम काम कर ले रहे? अच्छा। खुद जाए क्या मौका है? हाँ। पता करके आऊं भाई, बताओ क्या बात थी, ऐसे ऐसे बात से भाई। हाँ। सब ने कहा यही बात से, शराब पी रखी थी उसने। ठीक है, पता था आप लोगों को इस बात का? शराब में हम लोग दूसरे कोटा पर रहते हैं, वो दूसरा कोटा पर, हम जो भी कहेंगे सच कहेंगे। आपके पापा शराब पीते थे रोज? पीते थे, बोला है जो शराब ना पी रखा था, पहले पीता था, पहले पीता था। मैं तो वहाँ पे गया था, मौका पे वहाँ पे पता करा था लोगों में कैसे कैसे बात से भाई। उसने बताया शराब पी रखी थी इसने बहुत ज्यादा। हाँ हाँ। और ट्रैक्टर वाला ने ब्रेक लगाई, उसकी वजह से ये बीच में बैठा था वो, उसकी वजह से वो गिर गया। इसमें ट्रैक्टर वाला क्या दोष है? लिफ्ट देना की कोई गलत बात है? लड़का बोल रहा है शराब ना पी रहा, चल गया था काम करने, शराब नहीं पी रहा। सर एक बात बताइए, ये लोग बोल रहे हैं, मतलब आप बोल रहे हैं कि कैजुअलिटी जो है उनके शराब पीने की वजह से, ब्रेक लगने की वजह से, ये बोल रहे हैं कि भाई अभी उसी दिन शराब उन्होंने पीने रखी थी। बीच का रास्ता ये है कि जो सीसीटीवी के लिए बोल रहे हैं कि सीसीटीवी इनको दिखा दी जाए ताकि इन लोगों को भी तसल्ली हो जाए, सो वो इन लोगों को क्यों नहीं दिखाई गई है? क्या कुछ मैं तो और केस में बाहर आ गया था, मैं तो पता करके ऐसे ऐसे बात से पुलिस बैठी थी वहाँ पे। मैं तो पुलिस वाले ने जो बात कह के मैं आया था, मेरे को तो और बाहर जाना है, और जो भी कोई इनके मदद की बात हुई मैं तैयार हूँ। वही हम लोग बात है सरपंच साहब, फिलहाल जो है ये छोटा आदमी है, ठीक है, गरीब आदमी है, इनको अगर कुछ अपने किराया भाड़ा और इनकी अगर किसी प्रकार की दिक्कत है तो मैं वो भी देने तैयार हूँ मेरी तरफ से। मैं इसमें किसी प्रकार का वो नहीं भाई, मेरा कोई वो, सिर्फ गरीब आदमी, मैं उसको देने को तैयार हूँ किराया भाड़ा। जी, तो फिलहाल जो है ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हिसार के सिविल हॉस्पिटल से, जहां पर मजदूर की बॉडी को जो है अंदर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। एक पक्ष का कहना है कि भाई ट्राली के नीचे आने की वजह से, दुर्घटना होने की वजह से मौत हुई है ट्रैक्टर, और दूसरी तरफ जो है गांव के सरपंच का कहना है कि भाई उस व्यक्ति ने शराब पी रखी थी। हालांकि दोनों ही केसेस में दो सवाल बड़े खड़े होते हैं, पहला कि इन मजदूरों को सीसीटीवी फुटेज चेक क्यों नहीं करवाई जा रही है, पहला सवाल ये, और दूसरा अगर गलती ट्रैक्टर वाले की नहीं थी तो वो मौके से भागा क्यों। ये दो सवाल हैं जिसका जो प्रशासन से बनते हैं, और जो है इन मजदूरों की लिहाज जो है, क्योंकि बार बार आकर के लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई दूसरे प्रदेश से आए हैं ना, तो इस जगह का ज़्यादा जानकारी हम रखते हैं और ना ही जो है हमारे पास वापस जाने का किराया भाड़ा है, ऐसी कुछ बातें इन्होंने जो है ऑफ द कैमरा मुझसे कही थी, वही मैं आप लोगों से साझा कर रही हूँ। और ये दो सवाल भी इन्हीं मजदूरों की तरफ से खड़े किए गए हैं। खैर, ये खबर यहीं तक, आगे भी सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए सर्वे विक न्यूज़। नमस्कार।